भाई इतनी मेहनत करते हो आप, ठीक है, किसी बाहर जाने के लिए, गल्फ कंट्री जाने के लिए, तो अपना कोई भी एजेंट या ऑफिस आप सेलेक्ट करते हो ना, टाइम लेके वो होता है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने में काम 100% हो ही जाता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आज जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत नॉलेजेबल है और फ्रेशर लोग के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्यों उनको किसी प्रोसीजर का पता नहीं होता। अगर कोई गल्फ कंट्री आना चाहते हैं वो, कि हमको क्या करना है, ठीक है, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं जिससे हम गल्फ कंट्री जा सकते हैं, वो ये वीडियो ज़्यादा उसके लिए है जिसको गल्फ का कुछ पता नहीं कि हमको करना क्या है, ठीक है। उनका कहना तो कोई रिलेटिव भी रहता है और वो सोच रहे हैं कि हम गल्फ में जाके थोड़ा पैसा अच्छा कमा लें, ठीक है, और कैसे करें, तो उसके लिए वीडियो है। जो रिटर्न बंदे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है, अगर वो देखना चाहे वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो मैं सारा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या करना है। चलिए चलते हैं वीडियो। इंडिया में आप कहीं पे भी रहते हो, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है पूरे इंडिया में वो आती है, मतलब गल्फ कंट्री की सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है वो सऊदी अरब और ओमान, दुबई, कतर, बहरीन, सब जगह की जो ये जो गल्फ कंट्री होती है, मुंबई उसमें आती है, ठीक है, मुंबई सिटी। मुंबई में इतने सारे गल्फ कंसल्टेंसी ऑफिस है और जेन्युइन है, ठीक है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से अच्छे ऑफिस है, ठीक है। वहाँ पे मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ, देखो भाई इतनी मेहनत करते हो आप, ठीक है, किसी बाहर जाने के लिए, गल्फ कंट्री जाने के लिए, तो अपना कोई भी एजेंट या ऑफिस आप सेलेक्ट करते हो तो उसकी पहले जानकारी निकाल ले, ठीक है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कौन कौन से ऑफिस अच्छे हैं, ताकि आपका पैसा भी बचे, ठीक है, गलत हाथों में जाने से, और आपका टाइम भी बचे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कि आप अगर मुंबई के आसपास में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मुंबई से अगर दूर भी रहते हैं, ठीक है, तो दिल्ली या हैदराबाद या चेन्नई, वहां जाने की बजाय ना आप मुंबई जाओ, ठीक है। मुंबई में एक वहाँ पे हब है कि गल्फ की, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा आती है, और वहाँ पे आप जब जाएंगे तो भाई कम से कम खर्चे करें, क्योंकि वहां पे आपका एकदम से काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आप मुंबई जाने की सोच रहे हो, आप ये सोचेंगे कि मैं उस बंदे के साथ जाऊंगा यार, मेरा दोस्त तो जाएगा, तो भाई फिर आप नहीं जा सकते। आप खुद अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रख के बोलो कि मैं खुद जाएगा अकेला, ठीक है, और मुझे खुद को ही फॉलो करना है। उन लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, हम गल्फ कैसे जा सकते हैं उसके लिए पूरी मैं जानकारी है, स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ। वीडियो को स्किप ना करें, और जो हमारे नए व्यूवर्स है वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट, ठीक है, तो आपके तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए देखिए, अब मुंबई पहुंच गया। मुंबई जाने के बाद में आप एक कोई ऐसी जगह ढूंढिए कि मतलब वहां पर रहना खाना आपका सस्ता हो, और बहुत सारी जगह ऐसा है कि वहां पे इसी तरीके की लोग रहते हैं जो गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं। आप वहां पे जाओगे तो आपको बहुत पता चल जाएगा, ठीक है, स्टेशन पे भी आप थोड़ा मालूम करके जाके, ठीक है, जब कुछ करोगे तो पहला स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप यही है कि आप मुंबई जाओ, मुंबई जाके आप सारे, आपको 50% आपका काम हो गया ये समझ, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब वहां पे जाके सस्ता सा लोकेशन, कोई वहां पे ऐसी ऐसी जगह है जो है कि 7-8 बंदे एक साथ रहते हैं, या 12 बंदे भी रह सकते हैं एक साथ में, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बाहर के लिए। और आप अच्छी लोकेशन में चले गए, अच्छी का मतलब कि आप कॉस्टली जगह रह रहे हो, ठीक है, आपने पहले महीने में जाके 15-20 हज़ार रुपये उठा दिए, और मतलब एक महीने में आपका अगर काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 99% एक महीने में काम नहीं हो पाता है, कहने का मतलब ये। तो सस्ती जगह ढूंढे, ठीक है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, और वहां पे जब आप रहोगे तो आपको ऐसे बंदे मिलेंगे कि वो जॉब सर्च के लिए गल्फ कंट्री के लिए वो आपको मिलेंगे, ठीक है, तो उनकी आपको हेल्प मिलेगी, उनसे आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है, एक आपका ये हो गया आइडिया के लिए। तो स्टेप ये है कि वहां पे मुंबई में एक न्यूज़पेपर निकलता है हफ्ते में 2 बार, ठीक है, वीक में 2 बार निकलता है, अपलोड असाइनमेंट के नाम, वो आप ले, और ऑनलाइन भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और उसको उसमें सारी रिक्वायरमेंट होती है, और आप उसमें प्रॉपर तरीके से देखें कि हमारा क्या प्रोफाइल है, उसके हमारा प्रोफाइल है कि नहीं, और अगर है तो किस ऑफिस में, उसमें सब कुछ डिटेल लिखा हुआ होगा, आपका ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ होगा, वहाँ पे जाइए, और ऑफिस का आपका पहली बार आप जा रहे हो तो नहीं पता होगा, जो आपके साथ बंदे रह रहे हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, नहीं है तो आपका गूगल लोकेशन पर आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें इजीली मिल जाएगा, ऑफिस डालोगे वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे सब कुछ मिल जाएगा। और लोकल ट्रेन से सफ़र करना है, ठीक है, आप अगर ज़्यादा टाइम हो, ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को 2-3 महीने लग जाएंगे जॉब ढूंढने में, तो आप वहाँ पे कार्ड भी बनता है जो मेट्रो का, उसमें एक हो जाता है, वो आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपका
सिलेक्शन हो जाता है कहीं पे, अब इसके बाद का प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं, आपका सिलेक्शन हो गया किसी कंपनी में, ठीक है। और सबसे पहली बात, जिस ऑफिस में भी आप जा रहे हो उसकी जानकारी निकाल लें कि वो ऑफिस फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, जेन्युइन ऑफिस है कि नहीं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, ठीक है, आप वो देख सकते हो। अब आप वहाँ ऑफिस में चले गए, आपने इंटरव्यू दे दिया, ओके। और जो आप सीवी लेके जाए ना, सीवी की 2-3 कॉपी लेके जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं वहां पे इंटरव्यू आपने दे दिया और वहां पे आप कुछ बंदे ऐसे मिलेंगे कि यार उस ऑफिस में भी इंटरव्यू चल रहा है और आपको प्रोफाइल भी मिल गया, ठीक है, आपके प्रोफाइल का इंटरव्यू वहाँ पे चल रहा है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो उसके बाद में इंटरव्यू देना, वो आपके पास एक सीवी और होएगा तो आप दे सकते हैं, ठीक है। सीवी मतलब आप स्कैन भी करा, रास्ते से कॉपी भी निकलवा सकते, लेकिन इतना टाइम नहीं हो पाता, तो इससे अच्छा यही कि 2-3 सेट अपने साथ लेके चले सीवी के, और उसके साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपका, अगर गल्फ के रिटर्न हो तो आपका वीजा का कॉपी, इस तरीके से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और आपका एजुकेटेड है तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सारे आपके अटैच होने चाहिए, ठीक है। अब आपका मान लो सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू देने के बाद में, ठीक है। अब वहाँ पे ऑफिस वाला या तो आपको सेम टाइम बता देगा, या ऑफर लेटर जो भी अगर वहाँ से डेलीगेशन आएगा वो आपका साइन ले लेगा, ऑफर लेटर दे देगा, वरना तो आपसे बोलेगा कि आप रूम पे जाइए, हम आपको कॉल करेंगे और आपका पासपोर्ट वो लेकर रख लेगा। इसका मतलब ये आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, 99% इसके चांस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया। अब आपका एक दिन में या 2 दिन में कॉल आएगा कि आप मेडिकल करा लो, ठीक है। अगर दुबई जाओगे तो दुबई में ज्यादातर गम का मेडिकल नहीं होता, ठीक है, जो गल्फ कंट्री वाले उनको पता हो गम का मेडिकल क्या होता है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी है कि गम का मेडिकल क्या होता है, नॉर्मल मेडिकल क्या होता है। गम का मेडिकल का कॉस्ट ज्यादा होता है, नॉर्मल मेडिकल का थोड़ा कम होता है, तो दुबई के लिए नॉर्मल चल जाता है, बाकी जो दूसरी कंट्री है, कुवैत, बहरीन है, सऊदी है, इनके लिए, सबके लिए गम का मेडिकल चलता है। तो वो बोला कि आप अपना मेडिकल करा लो, आप मेडिकल के लिए जाएंगे, ठीक है, तो मेडिकल आप करा लोगे, वहाँ से रिपोर्ट ले आएंगे, उसके बाद में वो ऑफिस वाले को सबमिट कर देंगे। अब वो आपको बोल देगा कि आप या तो घर चले जाइए, ठीक है, आप मुंबई से दूर रहते तो वहाँ पर चले जाइए, क्योंकि उसके प्रोसीजर में आपने जब मेडिकल का रिपोर्ट जमा कर दी, उसके बाद में 15 से 1.5 से 2 महीने, बल्कि 2.5 महीने में कभी कभी लग जाते हैं, डिपेंड्स ऑन कंपनी, कंपनी का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, कंपनी कितना टाइम लेगी वो होता है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने में काम 100% हो ही जाता है, ठीक है, ये सारा प्रोसीजर है। उसके बाद में आप कुछ जो आप मेडिकल दोगे ना, और आपका सिलेक्शन तो 100% हो गया, और उसके साथ में कुछ सर्विस चार्ज भी लेगा, ठीक है, ऑफिस के हिसाब से होते हैं, कंपनी के हिसाब से होते हैं, कोई कोई 15,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है, ठीक है, और आपको देने में कोई मुश्किल नहीं है, आप दे दो, लेकिन ऑफिस जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये सारा प्रोसीजर है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जब मेडिकल दे दोगे ना, जमा कर दोगे, उसके बाद में थोड़ा सा पेशेंस बना करके बार बार उसको कॉल ना करो, तो वो इरिटेट होएगा, ठीक है, कोई कोई गुस्से में आपका पासपोर्ट वापसी कर सकता है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है अगर गल्फ कंट्री आप आना चाहते हैं, ठीक है, सब्र बहुत जरूरी है अगर जेन्युइन तरीके से काम चाहते हो, अच्छी कंपनी में आना चाहते हो, ये सारा प्रोसीजर है, ठीक है। मैंने 1 बाय 1 सारा कुछ बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।